अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज जो है ये 13 और 14 डे ऑफ रमज़ान का व्लॉग है। सो इसी के साथ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को करें प्रेस, ताकि मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ कस्टर्ड वाली सिवैयाँ बनाने की। इसी के साथ मेरी आवाज़ को करिएगा इग्नोर। तो यहाँ पे जो है अज़ान हो रही है और नमाज़ भी पढ़नी है, तो मैंने यहाँ पे चाय बना ली है। गर्म हो रही है बहुत ज़्यादा, यहाँ दूध उबल रहा है। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने सारी तैयारी करके रख ली है, और ये बेसन भी भुन गया, वो फिट गया है, रोज़ा ज़्यादा ही लग रहा है। और उसके साथ यहाँ पे प्याज के पकौड़े आज बन रहे हैं, तो अभी प्याज को छील के वॉश करेंगे, फिर काटेंगे, फिर बेसन में डाल के फिर पकौड़े बनाएंगे। ये शरबत के लिए चीनी भी डाल के रख दी है। तो मैं 2 दिन से वीडियो इसलिए नहीं बना रही थी कि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। अब माशाल्लाह मैं थोड़ा सेट फील कर रही हूँ, तो इस वजह से मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं करा। मैंने सोचा कि 2 दिन का व्लॉग एक साथ डाल दूँगी, क्योंकि मैं रेसिपीज़ भी अपलोड कर रही हूँ और व्लॉग्स भी अपलोड कर रही हूँ। एक साथ इतना मोबाइल यूज़ करना, ये होती तो वीडियो 2-3 से 4 मिनट की है, लेकिन इसको एडिट करने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत दिमाग लग जाता है। आपको एक अलग से टाइम निकालना पड़ता है वीडियो एडिट करने के लिए, एक पीसफुल प्लेस ढूंढनी पड़ती है कि मतलब वहाँ ना कोई पिन ड्रॉप साइलेंस हो बिल्कुल। तो इस वजह से जो है, लेकिन ऐसी जगहें मिलती नहीं है हमारे घर में, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मेन है हमारा घर इस वजह से। तो यहाँ पर जो है मैं खैर पकोड़े वगैरह बना रही थी। आप लोग बताएं कि आप लोगों का कल का रोज़ा और आज का रोज़ा कैसा गुज़रा, और जो है परसों का सॉरी कैसा गुज़रा, और आप लोगों की क्या क्या मसरूफियात हैं। कोई भी कमेंट नहीं कर रहा है, लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि आप लोगों के रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं, और इबादत कहाँ तक है जारी है आप लोगों की, मतलब कुरान पाक किसने कितने से पारे पढ़ लिए हैं, सब मुझे बताएं कमेंट में, क्योंकि मुझे जानना है। और मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोगों के घर, जब मैंने अपना व्लॉग अपलोड नहीं किया, तो आप लोगों के घर इफ्तारी में क्या क्या एहतमाम हुआ। तो एक तरफ हो रहे थे पकोड़े फ्राई, तो दूसरी तरफ भी काम निपटाने ही होते हैं। कैमरा तो बेशक एक ही तरफ रखा हो, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं दिखा दूं थोड़ा बहुत ही। तो यहाँ पर जो है मेरी कज़न है मारू, उसने ब्रेड रोल बनाए थे, वो मुझे दिए थे, और शायद मैं आपके साथ ब्रेड रोल की भी रेसिपी शेयर कर दूँ। और यहाँ पर जो है मैंने शरबत में चीनी घोल के, वो पानी में चीनी घोल के रख ली थी, रोज़ा ज़्यादा ही लग रहा है, रोज़े में वॉइस ओवर कर रही हूँ इस वजह से। और यहाँ पर भी मैंने इसके अंदर टैंग वगैरह डाल दिया था। तो मैंने पिछले काम निपटाए, तो यहाँ पर जो है पकौड़े भी हमारे 110% फ्राई हो चुके थे। तो ये हमारे पापा बिरयानी लेकर आए हैं काफ़ी सारी, अभी मैं 2 थैलियाँ और डाल रही हूँ इसके अंदर, ताकि उनके बच्चे जो है अफ्तार सहरी में भी जो है ना इसको नोश फरमा लें, क्योंकि आज हमारे घर पे कुछ भी नहीं बन रहा है। तो फिर यहाँ पे जो है बन रहा था कूलर, कूलर में बर्फ़ डल रही थी, तो साथ में जो है शरबत में भी ज़ाहिर है बर्फ़ डलेगी, तो ये काम अम्मी करती हैं, ये अम्मी के जिम्मे का काम है, तो वो निपटा रही थी। बाल देखो अपने फद्दू ऊपर देखो, तुम्हें देखना पड़ेगा। ये फहद और मैंने जो है ना एक साथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, हम लोग असाइनमेंट बना रहे हैं लालची लोग, और ये हम कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट हमारा ये, हम असाइनमेंट बना लेंगे, तो सास साहब जो है हमें लोडेड फ्राइज विद स्ट्रिंग सो इसी के साथ मेरा 12वें और 13वें रोज़े का व्लॉग यहाँ पे एंड होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखना है अपना ख्याल और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।